Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और गुड आफ्टरनून, क्योंकि भाई गुड मॉर्निंग नहीं कर सकते क्योंकि दोपहर हो गया है और धूप इतना कड़क है. और सीधे मौसी के यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ. ये पीछे मौसी का घर जो न्यू वाला है. पुराना वाला घर तो पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, जब प्रियांशु को छोड़ने आया था तभी, कल वाले ब्लॉग में. तो आज हम दिखाने वाले हैं गाँव में. आज क्या है मौसी के यहाँ? मटमंगरा. आज मटमंगरा है और ये रहे प्रियांशु. और कल वाले ब्लॉग में इनको भी देखा होगा गाड़ी में. और चलिए हम आपको मौसी का पहले घर दिखाते हैं, नया वाला जो पीछे दिख रहा है. तो लेट्स गो. तो ये देख सकते हैं मौसी का न्यू घर बना हुआ है, जो कि एकांत में बना हुआ है. क्योंकि आसपास में ना ये मेन रोड है, यहाँ से आगे जाओगे ना वहाँ पे जो गाड़ी जा रही है उधर, और ये बच्चे लोग बैठे हुए हैं. और ये घर बना हुआ है एकांत में, बगीचे में, क्यों प्रियांशु? और यहाँ से देख सकते हो इधर भी थोड़ा दूर पे है, मतलब ये खेत छोड़ के मतलब पूरा. और ये रोड अभी बनने वाला ही है, मतलब देखो गिट्टी बालू डाल दिया है, काफ़ी अच्छा बनाया है अभी मौसा ने. तो चलिए हम दिखाते हैं आगे से एकदम मस्त. ये देख सकते हो आप आगे का है पूरा व्यूज़. और यहाँ पे मिस्त्री बना रहे हैं, ये रहे, जूम करके दिखाते हैं हम आपको. देखिए काम कर रहे हैं पूरा बेड का. और ये रहा डीजे, और वो मौसा जी रहे हैं. और पूरा घर का व्यूज़ देख सकते हो एकदम मस्त तगड़ा वाला. दोपहर में तो एकदम अच्छा वाला आता है. चलिए गाड़ी देखिए. और ये रहे प्रियांशु, एकदम पूरा मस्त लगे पड़े हुए हैं काम में, जो कि बंदा कभी कुछ किया नहीं है और एकदम मस्त लगा पड़ा हुआ है. चलो अभी देखते हैं खनने के बाद एकदम मस्त. चलो फटाफट मैं भी खनवा लेता हूँ, हेल्प करवा लेता हूँ. सो गाइस, तो ये देख सकते हो गड्ढा कंप्लीट करने के बाद उस गड्ढे में इस बांबू को गाड़ा जा रहा है, मतलब बांस को गाड़ा जा रहा है. और खड़ा करेंगे इसको बांबू को, फिर उसके बाद ऊपर देखोगे आपका आम का झाड़ दिखेगा, वो देखो लटक रहा है. और इसको उत्तर भारतीयों में ये लगाया जाता है, मतलब गाड़ा जाता है. और इसका मड़वा बनेगा, फिर बाद में चार बांबू और खड़ा करके मतलब पांच बांबू हो जाएगा, वो तो शादी में दिखेगा आपको. और अब ये देख रहे हल्दी का थेप लगाया जा रहा है, फिर उसके बाद ये हाथ का छाप होता है जो कि हल्दी का शुभ माना जाता है, पंडित जी ने बताया था मुझे. और ये प्रदीप भैया थे, और इधर ये भैया को मैं पहचानता हूँ लेकिन नाम नहीं पता है बट. और मौसी लगा रही हैं सबको जो भी है, अब इतना तो जानकारी है नहीं बट जितने लोग को जानता हूँ उतने लोगों को मैं बता दे रहा हूँ. ये क्रिसले हैं और क्रिसले के साइड पे भी छाप लग चुका है. और ये मौसा जी हैं, ये मौसा को मैं पहचानता हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि ये मौसा के भाई हैं. तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं. और सो गाइस, तो ये आगे का प्रोसीजर है जो कि कलसा भरा जा रहा है. यहाँ पे बुआ है, मतलब भाभी की मम्मी और सिस्टर लोग हैं, और ये भाभी बाजू में बैठी हुई हैं. और ये कलसा भरने के बाद आगे गुड़िया का, मतलब जो गुड़िया है जिनकी शादी है, और यहाँ पे गुड़िया जी को बिठा दिया गया है, मतलब मेरी सिस्टर को. और यहाँ पे चुमावन होगा, पंडित जी का काम कुछ बाकी रह गया तो पंडित जी काम करके अपना पूजा पाठ जो भी है, एनी वदर जो भी है, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा अभी नंबर वाइज करके. और ये रही मौसी, और मौसी को बोला जा रहा है कि गाना गाओ, और गाना नहीं गाएंगे तो शुभ नहीं होगा, क्योंकि बिना गाना का शुभ कैसे होगा चुमावन. तो आपको नंबर वाइज हम आपको चुमावन का दिखाएंगे, गुड़िया का. देखो पंडित जी ने गांठ बांध दिया है. अब गांठ बांधने के बाद ये प्रिया को मैं थोड़ा सा धक्का दे दिया तो, और अभी भी कलसा पूरा नहीं हुआ है, मतलब कब से चल रहा है कलसा का भाई, तो कलसा का पूरा हो जाएगा फिर उस गाइस. तो ये पंडित जी ने बांध दिया हाथ में गांठ. अब इससे बांधने से लड़की या लड़के वालों को भी पंडित जी बांधते हैं, तो इससे किधर आपको घूमना नहीं है. तो चलिए हम गाना सुनाते हैं आपको. तो ये चुमावन का काम चालू हो गया. देखो ये सिस्टर चूम रही हैं और गाने भी जरूर मौसी के गाने से लिए शुरू हो गए. माता वाई चुमी चुमी दिया हुआ थी
ये मौसा दे रहे हैं बुआ को पैसा, जो जो वो मटके को कुछ कर रहे थे तो उसका पैसा दे रहे हैं सब। चलिए फटाफट देखते रहिए इसमें। सो गाइस, तो ये रही गोल्डन, और गोल्डन इतनी खुश थी कि पूछो मत, वीडियो बन रहा था उसका। चलिए चुमाउन खत्म होता है यहाँ पे और आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं। सो गाइस, तो हल्दी का रस्म खत्म हो गया, तो अभी ये वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और कल वाले ब्लॉग में दिखाएंगे कुछ और कल क्या होगा। और इस वीडियो को, हल्दी वाली वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और इसको बोलते हैं देसी में मटमंगरा, क्यों मटमंगरा बोलते हैं। और ये रहे प्रियंशु, जो कि साथ में वीडियो के अंत और स्टार्ट से लेके अंत तक पूरी वीडियो में है। और चलिए हम मिलते हैं आपसे, और डीजे की वॉइस इतनी तेज थी कि सब लोग यार डिस्टर्ब कर रहे थे। चलो कोई नहीं, बट दिखाने की कोशिश किया वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर करके बताना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में कल, और इसके लिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबा देना ताकि जो वीडियो डाउनलोड अपलोड करूँ वो आपको पहले मिल सके। और जो फेसबुक पे देखते हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं एक नई ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।